कर्नाटका पॉलिटिक्स। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री ने गौवंश विरोधी कानून पर विचार करने की बात करते हुए कहा कि जब भैंसों का वध किया जा सकता है और तो गायों को क्यों नहीं वध किया जा सकता, उन्हें क्यों नहीं मारा जा सकता, स्लॉटर किया जा सकता। इस पर सिद्धारमैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो में हम इसी से संबंधित कुछ बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से गाय को काटने स्लॉटर करने की बातचीत की जा रही है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जो माननीय राजीव गांधी की असेंडर और राहुल गांधी की पार्टी है, उसके वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी जी। तो देखते हैं पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के गायों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस मामले पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा करने की बात कही है। वेंकटेश के बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं वर्कर्स ने 5 जून मंडे को प्रदर्शन भी किया था। सिद्धारमैया ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए गौवंश निरोधी कानून में स्पष्टता की कमी है। स्पष्टता की कमी नहीं है, आपकी विचार की कमी है। राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। अरे सीधी सी बात है कि जानवरों को मत काटो, हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया। डोंट ईट जानवर, ईट ऑलवेज वेज। आपको बता दें पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने शनिवार को मैसूरू में कहा था अगर भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को काटना क्या मुश्किल है, क्यों नहीं काटा जा सकता। तो कांग्रेस के मंत्री कर्नाटक गौवध निवारण और मवेशी संरक्षण अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा था कि सरकार इस कानून पर फिर से विचार करेगी। यह अधिनियम को गौहत्या रोधी कानून के रूप में देखा जाना चाहिए, जो आपका ये अधिनियम है। बीजेपी ने मंगलवार को 6 जून कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा और सवाल उठाया कि क्या वह कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर किसी तरीके का कोई विचार करने वाली है। किस विचार से वो ये कह सकती है? अपने कार्यकाल की शुरुआत शायद इसी गौ हत्या से संबंधित कानून पर बने, है ना, विचार करेगी। बीजेपी की कर्नाटक इकाई इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेता पुरुषोत्तम नेता रूपाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी को इस विचार पर बोलना चाहिए। अरे उन्हें क्या बोलना चाहिए, उनकी तो यही पार्टी लाइन है, गौ हत्या। कर्नाटक में पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के बयान पर जब इस बारे में सीएम सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल इस मामले पर चर्चा करेगा। रूपाला ने कहा कि एक बार राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की पार्टी अंतिम रुख अख्तियार कर ले तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले ने कांग्रेस की पोल खोल दी है कि उसकी मानसिकता क्या है, वो जानवरों के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं और इस कानून को कैसे लेते हैं। ये विभाग माननीय नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता को ध्यान में रखते ही जानवरों के अधिकारों के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया था और कांग्रेस सरकार के मंत्री के वेंकटेश पशुपालन मंत्री ने तो इस पद का दुरुपयोग किया है। उन्हें इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे। भारत और जर्मनी के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। भारत और जर्मनी के रिलेशंस में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं जर्मन की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उस मुलाकात में काफ़ी सारे टॉक्स हुए। उन टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को मान्यता देने वाला दुनिया के पहले देशों में से एक है। इसका मतलब जर्मनी की हाई लीडरशिप ये मानती है कि भारत का रिलेशन जर्मनी के साथ अच्छा होना चाहिए। कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक संबंधों को भी अगर हम देखें तो 70 साल पूरे हो चुके हैं, इसमें कोई
दो राय नहीं है और इसका जश्न भी मनाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी है। साल 2011 के बाद से दोनों देशों के कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्रियों के स्तर की द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं। साल 2020 में जर्मनी की सरकार ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश तय किए थे और इस क्षेत्र में अपने हितों और प्रतिबद्धता को निर्धारित किया भी था। हालांकि विश्लेषक को मानते हैं, अगर हम विश्लेषकों की बात माने तो इन सब के बावजूद दोनों देशों के बीच में जो सहयोग रहे हैं उनमें कुछ कमियां रही हैं। ऑब्जर्वर रिचर्ड फाउंडेशन की शोधकर्ता अमृता नालीकर ने एक लेख में लिखा है और उन्होंने कहा है कि दोनों ही तरफ से नीतियां निर्माता जो भी नीति के निर्माता हैं इस सवाल पर जूझ रहे हैं कि जो उम्मीदें जर्मनी और भारत के बीच में लगाई गई थी उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा, मतलब वो सारी जो वर्क पेपर पर हुआ था वो काम नहीं कर रहा, तो इसकी कुछ कमियां हैं। विश्लेषक ये भी मानते हैं कि लंबे समय से भारत और जर्मनी के संबंध इस तरह रहे हैं कि न तो उसमें भारत का कोई नुकसान हुआ है, न जर्मनी का कोई नुकसान हुआ है, न फ़ायदा हुआ है, नफा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से चाइना का विकास हुआ और चाइना ने पूरी ग्लोबल कंडीशन को इंटरफियर किया, उसने अमेरिका को चैलेंज किया, रूस का साथ दिया, इससे जो अनबैलेंस हो रही है पूरी वर्ल्ड की कंडीशन, चाइना चाहता है कि मैं लीड करूं, ना ही बड़ा फ़ायदा हुआ था जैसे चाइना, लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से चीन का विकास हुआ है आप जानते हो, हथियारों को लेकर तो चाइना बहुत ही ज़्यादा मुखर है। उसने बहुत सारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान को भी सेल किए और दूसरों पर निर्भरता जो थी है भारत की वो आपकी वो वैसी है। चाइना ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके मैन्युफैक्चर में नंबर वन हो गया, कई मायनों में तो चाइना अमेरिका से काफ़ी आगे है। उसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर हुआ है। इस बदलते परिवेश में जो चेंजिंग आपका एनवायरनमेंट है, भारत और जर्मनी अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत को लेकर के जर्मन नेताओं ने कुछ बयानबाजी की है, विचारधारा है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स ने एक भाषण में कहा था कि भारत दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करने से झिझकते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं क्योंकि भारत कई मायनों में बहुत सारी चीज़ों के लिए रूस के ऊपर डिपेंडेंट है और भारत की मुसीबत की घड़ी में जैसे 1971 का आप देख सकते हैं युद्ध भारत पाकिस्तान जब आपका बांग्लादेश बना तो किसने मदद की, रूस ने, तो रूस तो भरोसेमंद रह गई भारत के लिए। और मैं आपको बताऊं चाइना का माल और अमेरिका की बात पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मतलब चाइना के साथ तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो नहीं सकता, केवल ट्रेड हो सकता है। बाकी की हाँ मानते हैं कि यूएस का अमेरिका का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है चीज़ों में, पर फिर भी अपनी मतलब हमें चेक करना होगा, कम भरोसेमंद है अमेरिका भी क्योंकि उन्हें लगता है, पर हाँ चाइना से काफ़ी गुना सही है, चाइना के कंपैरिजन में अमेरिका ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को बराबरी से लागू किया जाना चाहिए। और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि इंडिया के साथ बायस होते हैं, बायस कंडीशनों, जैसे अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो चाइना हमेशा वीटो कर देता है क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना अगर सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्साई चीन पर हम कब्जा कर लेंगे, अक्साई चीन को हम अपने भारत में मिला लेंगे। और कुछ पुरानी सरकारों की भी कमियां रही हैं, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा था कि जो अक्साई चीन चाइना ने कब्जा लिया है वो तो बंजर ज़मीन है, वो किसी काम की नहीं है, तो फिर अब ये सरकारों को इस काम के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। ग्लोबल सॉल्यूशन की बात करें, द वर्ल्ड पॉलिसी फोरम की बात करें, उस कार्यक्रम में भी बोलते हुए ओलाफ शॉल्ट्स ने कहा था कि जब मैं इन देशों के नेताओं से बात करता हूँ तो कई मुद्दों पर हमें भरोसा भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मूलभूत सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठाए जा रहे और
उनकी चिंता ये है कि सिद्धांत समान रूप से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना इंटरनेशनल लॉ को कभी मानता ही नहीं, जैसे उसका इंटरफियर साउथ चाइना सी में देख लो, है ना, मलक्का स्टेट की एरिया में देख लो, और उसने सी पैक बना डाला। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल कुछ देश ही फॉलो करते हैं जो गरीब हैं, जिन पर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। और अगर हम देखें कि जर्मनी और भारत की जो अगर हम देखें, तो आप जानते हो कि जर्मनी थर्ड नंबर की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो दोनों देशों की को एक स्थिर वैश्विक व्यवस्था भी स्थापित करने की ज़रूरत है, किसी जर्मनी और भारत को, तो हमें इसका समाधान भी मिलना चाहिए। तो इस साल फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते ही ओलाग शॉल्ट्स ने कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर ही निकलना होगा, यूरोप की समस्या नहीं है। यह भारतीय विदेश मंत्री का कथन था। मतलब यूरोप ये मानता है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, हमारा भारत ये मानता है कि हमारी भी तो समस्या है कुछ, जैसे ऑयल को परचेजिंग करने की मैटर, क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ऑयल की समस्या हो गई है। तो भारत के पास ऑयल रूस से लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो ये एक रीज़न है। इस सम्मेलन में ओलाग शॉल्ट्स ने ये भी कहा था कि अगर पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देश उनका साथ दें, तो उनके साथ सिर्फ हमारे जो आपके साइन मूल्यों, जो आपके हमारे कुछ के मूल्य होते हैं, पर जोर देने से काम नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, बल्कि पश्चिमी देशों को इन देशों की चिंताओं और हेतुओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और बराबर की साझेदारी करनी होगी, तभी इंडिया जर्मनी और लोग बाकी के जो देश हैं वो पश्चिमी के साथ, पश्चिम के देशों के साथ मिलकर चलेंगे, सबका फायदा होगा। दरअसल पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप देशों की मानसिकता पर टिप्पणी की थी। जून 2022 में स्लोवाकिया में एक सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है, ये भी तो समझना पड़ेगा। भारत में जर्मनी के राजदूत रहे बाल्टल जे लिंडनर ने पिछले साल 6 दिसंबर को जयशंकर की इसी टिप्पणी को दोहराया था और ट्वीट भी किया था, तब एक प्रकार से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। हम सभी जानते हैं कि भारत हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहता है, तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत रूस से कितने और कौन कौन से कितने नंबर में और कितने परसेंटेज में हथियार खरीदता है जो हमारे डिफेंस के पास है। भारत रूसी हथियारों और डिफेंस सिस्टम का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, मतलब हम परचेज करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं विदेश से हथियारों का, अब घर में तो बनते नहीं हैं। तो भारतीय वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए और थल सेना के लिए लगभग 85% हथियार जो खरीदे जाते हैं वो रूस से खरीदे जाते हैं। और भारत की कुल सुरक्षा के सामानों के इम्पोर्ट को अगर हम देखें तो वो 60% हिस्सा रूस से ही खरीदा जाता है। भारतीय वायुसेना रूसी सुखोई SU-30, MKI MiG-29 और MiG-21 लड़ाकू विमानों, जो फाइटर जेट्स होते हैं, पर विमानों पर निर्भर हैं। इसके अलावा IL-76 और एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान, जो आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, MI-35 और MI-17 हेलीकॉप्टर अराउंड 5 होंगे हमारे देश में, और हाल ही में MALI-S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली भी रूसी है। भारत की सेना रूसी टैंक T-72 और रूसी टैंक T-90 युद्धक टैंक को भी इस्तेमाल करती है। नौसेना का INS विक्रमादित्य, जो आप देख रहे हो इसका नाम, इस विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम पहले एडमिरल गोर्सकोव था,
उसका क्या कारण है? भारत के आज़ाद होने के बाद चार पांच कंट्री का हमारे देश में बड़ा बड़ा सहयोग रहा है। किसी ने डिफेंस में कंट्रीब्यूट किया, इन्वेस्ट किया, किसी ने मेडिसिन में इन्वेस्ट किया, किसी ने रेलवे में इन्वेस्ट किया। तो ये रीजन्स रहे हैं। भारत की नौसेना IL-38 समुद्री निगरानी वाला विमान, मतलब विजिलेंस करने वाला जो टोही विमान जिसे बोलते हैं, और कॉमोव K-31 हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाती है। भारत के पास रूस से पट्टे पर ली गई एक परमाणु पनडुब्बी है और वह भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में भी मदद कर रहा है। भारत और जर्मनी के रिश्तों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चाइना US कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतवर सेनाओं वाले देश अमेरिका US और चाइना चीन में अक्सर तनाव बढ़ जाता है। हफ्ते भर पहले चीन ने अमेरिका से तब बातचीत करना बंद कर ली जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अपने चीनी समकक्ष को मुलाकात के लिए न्योता दिया। लेकिन चीनी डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू, जो नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के मुलाकात का न्योता ही ठुकरा दिया और उनसे बातचीत करने तथा मिलने के लिए इनकार कर दिया। अब शांगफू ने अमेरिका चीन के टकराव पर बहुत बड़ा बयान दिया है। ये पहला बयान है। चीनी डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू ने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के टकराव में दुनिया के देश देखेंगे कि कितना विनाशकारी भयंकर युद्ध होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले सवा साल से 27 फरवरी 2020 से चल रहा है। शांगफू ने एक और युद्ध की चेतावनी दे डाली। शांगफू ने कहा कि इसलिए हम अमेरिका के साथ टकराव पर बातचीत बिल्कुल नहीं करना चाहते। एशिया के शीर्ष सुरक्षा शिखर सम्मेलन शांग्रीला काफ़ी फेमस है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। डायलॉग में शांगफू ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि चीन और अमेरिका साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं और दुनिया को लीड कर सकते हैं। उनका ये बयान इस बात का इशारा भी करता है कि चीन ने अमेरिका को दुनिया की एकमात्र महाशक्ति होने से मना कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। जैसा कि अब तक अमेरिका खुद को इस रूप में देखता रहा है, दुनिया का बॉस, मास्टर हेजेमनी ऑफ अमेरिका, ऐसा हम कह सकते हैं। शांगफू ने नाटो जैसे संभावित अलायंस पर कहा कि हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि हमारे प्रभाव वाले इलाके में, जैसा कि भारत नाटो का हिस्सा बने, ऐसा कोई सैन्य गठबंधन हो। और नाटो के मैटर में ही यूक्रेन फंस गया है, जाल में फंसता ही जा रहा है, खुद का अपना सत्यानाश करेगा और जेलेंस्की अरबों खरबों रुपये लेकर के निकल लेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे या अमेरिका में रहेंगे। इसके अलावा शांगफू ने ताइवान का भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी चेतावनी में कहा, यदि किसी ने भी ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीनी सेना एक सेकंड में भी जो भी करेगा उसके साथ तुरंत बदले की कार्रवाई करेगी। सेम रवैया भारत को भी अपनाना चाहिए। भारत को बस चाइना से दो टूक कह देना चाहिए कि आपने PAK में कोई भी कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो आपका हश्र वही होगा जो आप दूसरों को चेतावनी देते हैं। हालांकि चीन की नीतियों में और भारत की नीतियों में काफ़ी फ़र्क है। चीन की नीतियां उग्र हैं, साम्राज्यवादी हैं, लेकिन भारत की नीतियां अपने बचावकारी हैं और भारत को ही सेम एजेंडा लेके चलना चाहिए। मोदी जी एक प्रकार से चाणक्य हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बहुत सारे शासक तैयार कर सकते हैं, उनके अंदर दम है और वही टक्कर ले सकते हैं चाइना के साथ, और कोई अब तक न पैदा हुआ न होगा। अब दुनिया दो ध्रुवी नहीं रह गई बल्कि मल्टी पावर सेंटर बन रहे हैं, यानी कि चाइना का मानना है कि चाइना पूरे वर्ल्ड पर लीड करेगा। अब रसिया तो बर्बाद हो चुका है, यानी अब अमेरिका के सामने केवल रूस वैश्विक शक्ति नहीं है बल्कि चीन अब रूस की जगह लेते हुए अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन से जंग छेड़ने पर रूस को प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ रही है और इसके कारण अब उसका प्रभाव उतना नहीं रह गया है। अब सोचो दोस्तों, यही रीजन है कि चाइना रूस को सपोर्ट करता है। और याद रखो, जो भी लड़ाई में जाएगा, युद्ध में जाएगा, बर्बाद होगा, चाहे कोई भी हो। जितना हुआ करता था शी जिनपिंग की अगुवाई में, चीन ने खुद को इस तरह से तैयार किया है कि अब बाहर के मामले में अमेरिका भी
बहुत सारे मामले में अमेरिका की बराबरी करने पर तुला हुआ है। चाइना कुछ मामलों में तो अब अमेरिका से आगे हो गया है, जैसे चीन शांघाई का अगर हम बातचीत करें तो ताज़ा बयानों से इसका एहसास यही होता है कि चाइना पूरी दुनिया को अब लीड करने वाला है। चाइना के डिफेंस सेक्रेटरी ली शांघाई ऐसे हैं जैसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन में डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है और उनकी ड्रेस एक मिलिट्री जनरल जैसी होती है। मतलब चाइना में हर चीज़ सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वाली होती है। ली शांघाई मार्च के महीने में ही चीन के डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं और 4 जून को अमेरिका को चेतावनी वाला बयान भी दे चुके हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय बयान देखा जा रहा है। इस संबोधन में चाइना को उन्होंने 2 टूक सुना दी कि आप नहीं हो, हम हैं दुनिया की सिरमौर। तो ये हेजेमोनी की बात है। बस मैं तो यही कहूँगा कि भारत को भी इसी एग्रेशन में आगे बढ़ना चाहिए। अभी मौका है, पाकिस्तान कमज़ोर है। मान लो बाजी लोहा गर्म है, हथौड़ा।